हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पेट इन्फो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। हमारे चैनल को बहुत से नए व्यूअर्स जुड़ते हैं और वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डालमेशियन वर्सेस साइबेरियन हस्की के बारे में। ओरिजिन, डालमेशियन डॉग का ओरिजिन क्रोएशिया से है, लेकिन रिसर्चर के हिसाब से डालमेशियन डॉग का ओरिजिन इंडिया है। 5000 साल पुराने खंडरों में खोज के दौरान धब्बेदार डॉग की पेंटिंग पाई गई थी, इसीलिए अभी तक इनका ट्रूली ओरिजिन अननोन है। और वैसे डालमेशियन डॉग को उसका नाम और उसकी पहचान ग्रेट ब्रिटेन से मिली है। डालमेशियन का उपयोग पहले शिकारी डॉग के रूप में किया जाता था और बाद में एज ए कोच डॉग। इनका काम बस पैसेंजर की प्रॉपर्टी की रखवाली करना था। उसके बाद डालमेशियन में बहुत सारे बदलाव हो गए। डालमेशियन डॉग का उपयोग फायर डिपार्टमेंट में होने लगा और अभी भी फायर डिपार्टमेंट टीम के साथ एक डालमेशियन डॉग रहता है। डालमेशियन डॉग्स फायर हाउस की रखवाली करते हैं और बच्चों को फायर सेफ्टी के बारे में गाइड करते हैं। साइबेरियन हस्की का ओरिजिन मेनली एशिया से है, लेकिन कुछ साल पहले उनको कक्षा कबीला के लोगों ने साइबेरिया में पाला था और वहाँ के सुटेबल वेदर और एनवायरमेंट से वो ज़्यादातर वही ब्रीड किए जाने लगे, और इसी कारण साइबेरियन हस्की का ओरिजिन रशिया कहा जाता है। साइबेरियन हस्की बर्फीले इलाकों में तेज दौड़ते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल स्लेज खींचने के लिए किया जाता है। गाइडिंग एंड सोशलाइजेशन। डालमेशियन डॉग्स मीडियम टू लार्ज साइज के होते हैं। यह अच्छे फैमिली डॉग और वॉच डॉग भी होते हैं। डालमेशियन डॉग्स बड़े होने के कारण इनको रहने के लिए बड़ा घर या फिर बैकयार्ड की जरूरत होती है। इनको डेली 40-60 मिनट तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। डालमेशियन डॉग का इस्तेमाल पुलिस फोर्स और फायर हाउस में किया जाता है। साइबेरियन हस्की मीडियम साइज की डॉग ब्रीड है। ये डॉग्स इंटेलिजेंट, जेंटल, अलर्ट और फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अगर आपके पास बड़ा घर या बैकयार्ड है तो आप इस डॉग को पाल सकते हो। साइबेरियन हस्की डॉग के पास ज़्यादा ठंड सहने की ताकत और कम खाने में सर्वाइव करने की क्षमता होती है। साइबेरियन हस्की गार्ड डॉग नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादातर झुंड में रहना या फिर फैमिली के साथ रहना पसंद होता है। इनके फ्रेंडली नेचर के कारण आप इनको छोटे बच्चों के साथ आसानी से रख सकते हो। इनको डेली 50-60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवाना चाहिए। अगर आप साइबेरियन हस्की को अडॉप्ट करना चाहते हो तो बचपन से ही कीजिए। साइबेरियन हस्की को रहने के लिए ठंडे वेदर की ज़रूरत होती है, और आपके यहाँ 30 डिग्री से ज़्यादा तापमान है तो आपको कूलर लगवाना चाहिए। कलर्स एंड शेडिंग। डालमेशियन डॉग व्हाइट एंड ब्लैक और व्हाइट एंड लिवर ब्राउन कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट शॉर्ट होता है, इसलिए इनको हफ्ते में एक दो बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। डालमेशियन डॉग का शेडिंग सीजन 6-8 मंथ में आता है। साइबेरियन हस्की व्हाइट, ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड व्हाइट, सेबल एंड व्हाइट, ग्रे, ग्रे एंड व्हाइट, सिल्वर ग्रे और रेड एंड व्हाइट कलर्स में पाए जाते हैं। इनका कोट डबल होता है। जो अंदर का कोट होता है वो उनको गर्म रखता है और ऊपर का कोट पानी से बचाता है। इनको हफ्ते में 2-3 बार ग्रूमिंग करवाना चाहिए। साइबेरियन हस्की का शेडिंग सीजन 6-7 मंथ में आता है। मेंटेनेंस। डालमेशियन डॉग का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 20,000 से लेके 30,000 तक आता है। साइबेरियन हस्की का मेडिकल प्लस फूड प्लस ग्रूमिंग का खर्चा पर ईयर एवरेज 50,000-60,000 तक आता है। हाइट। डालमेशियन डॉग की एवरेज हाइट 20-24 इंचेस तक होती है। साइबेरियन हस्की की एवरेज हाइट 20-24 इंचेस होती है। वेट। डालमेशियन डॉग का एवरेज वेट 20-30 केजी तक होता है। साइबेरियन हस्की का एवरेज वेट 18-27 केजी होता है। लीटर साइज। डालमेशियन डॉग की लीटर साइज एवरेज 6-9 पपीज तक होती है। साइबेरियन हस्की की लीटर साइज एवरेज 4-8 पपीज होती है। लाइफ स्पैन। डालमेशियन डॉग का लाइफ स्पैन 12-14 ईयर्स तक होता है। साइबेरियन हस्की का लाइफ स्पैन 12-14 ईयर्स तक होता है। प्राइस। डालमेशियन डॉग की प्राइस 14,000 के ऊपर है। साइबेरियन हस्की की प्राइस 60,000 के ऊपर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का डॉग वर्सेस डॉग का एपिसोड? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से डॉग के बारे में जानना चाहते हो, और हमारे चैनल पेट इन्फो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।